मैं अभी आया था इधर चारा काटने, ये जो तूड़ी है ना इसके अंदर से ये सांप निकला है। अचानक मेरी नजर इस पर गई है तो जल्दी जल्दी ना वो डंडा एक पड़ा हुआ था वो उठाकर ना मैंने इसके ऊपर मारा है, बिल्कुल मेरे साथ। मैं साथ ही ना चारा काट रहा था। अभी नजदीक थोड़ा सा होकर आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इस जगह से ये निकला सांप और इस जगह पर मैं काट रहा था, आकर बैठा ही हूँ अभी तो ये इधर से ना निकल आया। वो सामने ना एक डंडा इधर पड़े हुए थे, बस इधर से मैंने वो चादर इधर फेंकी और डंडा इधर उठाया, उतनी देर तक ये इस जगह पर आ गया था भागता, तो बस पीछे पीछे मैं आया हूँ इसके, बस ऊपर इसका डंडा मारा तो बस उधर ही है ना इकट्ठा हो गया। अभी इसका सर जो है ना वो मैंने अच्छी तरह ना इसको ऊपर से डंडे मारे इसके सर के ऊपर ताकि ये मर जाए। अभी बिल्कुल बेजान हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा ये सांप है, कोई छोटा सा सांप नहीं था, बड़ा मोटा मोटा सा। ये देखें जी कितना बड़ा ये था, ये देखे, मेरा ख्याल है इसका ना जहर निकल रहा है इसके मुंह से, कतरे के नीचे गिर रहे हैं, है भी काफी मोटा। पहला डंडा इसका इस जगह पर पड़ा है, ये जो निशान है ना इसके अंदर दरमियान में इस जगह पर पड़ा है। दूसरा डंडा फिर मैंने इसके सर के ऊपर मारा है ताकि इसकी सिरी है ना ये इसको अच्छी तरह ऊपर से ना डंडे मारे जाए तो ये मर जाए। बरल अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया, दो तीन डंडे इसको मारे हैं तो बस ख़त्म हो गया। मैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बिल्कुल पाँव के साथ ही ये था, अचानक ही बस मेरी नज़र इस पर पड़ी है तो पता नहीं शायद मुझे डंग मारने लगा था या क्या करने लगा था, बस को हाथ का दिया आगे आ गया, नहीं तो मेरा ख्याल है आया को मुझे काटने की नीयत से था ये। इसलिए कहते हैं ना कि सदका खैरात करते रहना चाहिए, मुसीबत बलाएँ इससे टल जाती, शायद किसी मेरे बहन भाई की दुआ या मेरा को हाथ का दिया हुआ मेरे काम आ गया। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको उठा कर इधर वो सामने टिब्बे हैं उस पर इधर ना इसको कसी में उधर से घर से ले आता हूँ, कोई छोटा सा एक टोया निकाल कर ना उसके अंदर इसको दबा देता हूँ ताकि ये कुत्ते वगैरह इसको खा ना लें। बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि अगर कुत्ता खा लेना इसको तो वो बावला हो जाता कुत्ता, सांप को जब मारते हैं तो इसको ना कहीं दफन कर देना चाहिए टोया वगैरह लगा कर। अभी घर से कसी लेकर आता हूँ, वो सामने मेरा घर है वो बांस का जो पौधा नज़र आ रहा है, इन कसी ले आता हूँ फिर इसको ना उधर जाकर कहीं फेंक देता हूँ, फेंकना क्या है दफन करते हैं इसको जी। चारा काट कर इधर रख रहा था और साथ ही ये इसकी खुड़ थी, बस इस जगह पर मैं बैठा हुआ था अचानक ही मेरी बस में नज़र पड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बचत हो गई है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना खुड़ टाइप सी इसके अंदर से ये निकला है, हालांकि सुबह मैं इधर से ये तूड़ी भी लेकर गया हूँ, वो जो छानना पड़ा हुआ ना उसके अंदर छान कर अच्छी तरह ना इस जगह से लेकर गया हूँ सुबह। बच्चे भी भागते हुए आ गए, थानू क्यों पता चलिया, थानू क्यों पता चलिया, बड़े तुम खराब कि आए किधर हो, है सप देखने आए हो, तो तेन मैं आवाज दी थी कई लैके आनी थी दारिया लैके दारिया को, हाँ जी अच्छा मामा सैन लैके आंदा फिर, हाँ जी सप सप वो मरिया छोटे दे कोल दारिया बीटी इनको कह रही कि हाथ नहीं लगाना, बच्चे भी आ गए इनको भी मत कर, ओ देखो अगे हो आया नजर काका नजर आ गया सी, हैं ये देख हैं बस पीछे रहो पीछे नजदीक ना वो ये तो मैं पट्ठे पे पड़ता ही ना नालों मेरे आया बिल्कुल जल्दी जल्दी फिर मैंने सोटा उस चुक के तो मारिया जरा सोटा नहीं पिया ना हथ ना लावी जोरिए ना पुत्र मैं मारिया इस सप के जहर लगी होती है हथ ना लाए मूँह तो मैं मारिया ना सोटा ये मूँह दिते मर गया मर गया हूँ मर गया वह ना सीरी चंगी तरह मैं कुट दी मार के मैं मारे ना सोटा पहला जो भजा जाता है ना मैं मारे ना सोटा उत्ते तो फिर पहला मास उत्ते लगा दोबारा फिर पापा इतने लगता फिर बड़े सप होंगे बस बेटा आ जाता कितों कितों कोई यह तूड़ी सी ना इतने पई हुई ये तूड़ी के बेच सी कितने सर्दी सी ना सर्दी के बेच इतने तरह गरमैश गरमूश होंगी तूड़ी की इस बार जाता ना ये बैठा भी
चलो कही लैन दी, चलो फिर ओथे ने लै चलिए इनू। ना कई ना खलो जा यार, मैं चुक लेना, तू बड़ा खराब है शैतान। तुम पिछे हो जाओ, मैं इन लै जाना चुक के, पिछे हो जाओ। चलो बस मैं उठा लेता हूँ ना, तो वो जो टिब्बे है ना उधर, उस जगह पर इसको, ये आप देखें ना, ये जहर इसका भी निकल रहा है, ये जो कतरे नीचे फेंक रहा है ना, ये इसका जहर निकल रहा है, जहर खून खून निकल रहे है, जरा ना कतरे पे थले गिरते, ये जहर है, इसे पाओ ना रखे अपना। वो सामने जो टिब्बा आपको नजर आ रहा है ना, उस जगह पर इसको ना, आ देख ला सांप। ये जो रास्ता है इधर से रेड़ी लेकर जा रहे हैं, कोई बजरी और सीमेंट ऊपर रखा हुआ है, तो मैं इधर आया, मेरी टिब्बा है इसके अंदर, इसको इस जगह पर ना, कोई जगह देख कर, बल्कि ये इधर ना एक साइड पर टोया निकाल कर इसके अंदर, इस बार तो कई लिया यार। बस इन इतने ना बच्चे भी मेरे साथ ही आ गए सारे। हाँ जी, एक जटा का, एक भी जटा का, इधर ए भी जटा के डेरे ने, इस साइड से इधर भी जटा के डेरे ने, नहीं कोई ना नहीं दसिया, मौलवी जो फिर आ डेरा होना है। हाँ इस साइड से इधर आ जाओ, वो अगो रस्ता है जे आ टिब्बी की परली साइड तो, पीछे हो जाओ तुसी। ये डाटी पड़ी है, तो मर गया है, बस मर गया है। ओ बाबा वो जिंदा, वो जिंदा नहीं, वो वैसे ही कर रहा है पापा, हमें जाने उन्हें देखा लेने जाए ना। चलें जी, ये एक छोटा सा टोया निकाला इधर, और इसको ना इसके अंदर फेंक दिया है, ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल देते हैं इसके ऊपर। पापा जी ये रहते भी यहां, ये ना डिब्बों के अंदर है। हां बस इधर से ही बेटा गया ये ना, कहीं इधर से गया वहां ही आ गया दोबारा। बस अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मुश्किल से बचाया इससे, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बचत हो गई। अच्छा पीछे हो, मैं मिट्टी देते पा लूँ, डंडा भी उठ देना।